अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि हम अपने दी वैलिड अकाउंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे अप्रूव्ड करवाएंगे और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद है कि सब ने अपना दी वैलिड अकाउंट बना लिया होगा। तो उसके लिए हम चलेंगे जनाब अपने प्रोफाइल सेक्शन में। यह मैंने दी वैलिड अकाउंट ओपन किया हुआ ऑलरेडी, जो अगले दिन बनाया था आप सबको सिखाने के लिए। अच्छा, तो इसको वेरीफाई करवाने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने नाम वाले सेक्शन पे। इधर इधर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास सामने दो ऑप्शन आ जाएंगी, एक प्रोफाइल की, एक साइन आउट की। तो हम प्रोफाइल पे चले जाएंगे। प्रोफाइल पे जाएंगे तो जनाब हमारे सामने ये एक ऐसे इंटरफेस शो होगा जिसमें फुल नेम लिखा आ रहा है, यूज़र नेम लिखा आ रहा है और ईमेल एड्रेस। अच्छा, तो हमने इधर जनाब सेलेक्ट कर लेना है अपना कंट्री कोड +92। तो हम इधर सिंपल पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट किया, इधर मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोगों ने अपना नंबर देना है। अच्छा, ये नंबर हो गया। आगे आ रही है ऑप्शन जेंडर की, मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दें। मेल सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, इधर जनाब आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, लेकिन याद रखें वो वाला शनाख्ती कार्ड जिस पर आप ये बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, तो मैं डाटा एंट्री भी बस इधर उधर से पकड़ के ही करूँगा। तो अभी ये मेरे पास एक आईडी कार्ड है, तो इसको मैं उधर लिखूँगा। ये मैंने लिख दिया रैंडम एक ईमेल एड्रेस, लेकिन आप लोगों ने वही लिखना है जो जिस पर आप ये अकाउंट बनाएंगे। यानी कि अगर आप अपने आईडी कार्ड पे बना रहे हो तो फिर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इधर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने आईडी कार्ड वाली लिखनी है। इधर मैं कोई रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको मैं सिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्ट डाटा एंट्री करनी है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी जो आपकी आईडी कार्ड पर लिखी हुई है। फुल एड्रेस ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छा है, अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एड्रेस आपने वो वाला लिखना है जिस एरिया में आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है या फिर आपके यूटिलिटी बिल पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो लिख दें, या आपके जो सुई गैस का बिल होता है उस पर जो एग्जैक्ट एड्रेस लिखा होता है वो लिख दो। अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं। अच्छा खैर, मैं इसको ऑप्शनल छोड़ता हूँ। ये आप लोग अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। कंट्री हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे इधर। आगे आ जाता है जी स्टेट, इधर बता रहा है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर दूंगा इधर। इधर आप अपना शहर लिख दें, मैं शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो मैंने शकरगढ़ लिख दिया। ये सब लिख लेने के बाद हर चीज़ एक दफ़ा आपने देख लेनी है सारी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इधर आपने नंबर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, CNIC नंबर लिखना है जिस पर आप ये अकाउंट बना रहे हो दी वैलेट्स का, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो CNIC के ऊपर लिखी है, अपना फुल एड्रेस लिखना है, एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है, उसके बाद कंट्री और बस ऑल दैट। ये चीज़ें आप देख लें, वेरीफाई करने के बाद एक बार देखने के बाद इसको आपने सिंपल अपडेट कर देना है। ये आ गया जी प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, इस चीज़ को कर लेने के बाद आप लोग आ जाओगे जनाब, ये मैं आपको ऊपर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाइड हो चुका है, अभी हमारी पिक्चर रहती है, हमारी आइडेंटिटी रहती है और बैंक स्टेटमेंट्स रहती हैं। तो इसके लिए हम